चर्चा प्रारंभ हो सुनो साथ चीत दे राज क्षमा श्री प्राण सखी जीवन मारो ए, सखी जीवन हमारा श्री महामती कहें भया चरचा का क अब तुम सुनियो चीत दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार सर्वशोभा योग्य हो श्रीलीला नित्य विहार श्रीलीला नित्य विहार बोले श्री प्राणनाथ बिहारी जी इन समय पाति लिखी भेजे कलाम तीन बात का बंधेज हम कि आई समा ठाम बिहार जी इन समय प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के प्यारे एवं लाडले सुंदर साजी, जी धाम धनी की असीम कृपा असीम मेहर से आज हम सोलहवें दिन में सूरत के प्रसंग में जो बिहारी जी महाराज जामनगर नौतनपुरी से तीन नियम लिख कर भेज रहे पत्र के माध्यम से कल के प्रसंग में हमने देखा कैसे नलिया में धारा भाई ने अपना एक किस्सा अपना एक घटनाक्रम प्रसंग सुनाया और वहाँ से खम्भालिये तक जो बिहारी जी महाराज के नकारात्मक विचार संकुचित मानसिकता और जो धारा भाई को सुंदर साथ से निष्कासित किया गया था तो बार बार सुंदर साथ जी उसकी अर्जी भी की गई श्री जी के द्वारा लेकिन बिहार जी महाराज टस से मस नहीं हुए श्री जी ने अंतिम में बोला कि मेरे को जो बधाई दी है तुमको आने की तो आप धारा भाई को सुंदर साथ में शामिल कर लो तब बिहारी जी महाराज ने अंतिम बोल दिया कि नहीं एक बार नहीं आप लाख बेर बोलोगे तो भी मेरा एक ही उत्तर एक ही जवाब रहेगा कि मैं धारा भाई को कभी भी अपने सुंदर साथ में निजानंद संप्रदाय में शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि उसने एक चमत्कार की लीला पर आड़ी का लीला पर अपने अंदर आवेश आता है राज्य दीदार देते हैं ऐसी बात फैलाई ये मेरे मन में अभी भी दुख सता रहा है तो मैं कभी भी उसको शामिल नहीं करूँगा तो कल हमने जो बिहारी जी महाराज की ये मानसिकता संकुचितता और नकारात्मक सोच को देखा और सुंदर साजी जागनी के प्रति उसके दिल में कुछ भी सुगंधी नहीं है ये किस्सा को देखकर हम आगे धोराजी से होते हुए सूरत शहर पहुँचे सूरत के प्रसंग में हमने कल रामजी भाई शिवजी भाई एवं वेदांत आचार्य श्याम भट्ट भीम भट्ट और उसके बाद अभी हमने किरणतन भी सुना जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय राधा वल्ल मार्ग में वल वल्लभाचार्य जी ने भागवत के दसवें स्कंद पर सुबोधि जी ने टीका लिखी है जिसमें 40 प्रश्न अभी तक जो गोविंद जी व्यास के मुख से नहीं खुले थे वो कल के प्रसंग में हमने देखा कि श्री जी के सामने वल्लभ दलाल गोविंद जी व्यास को लाए और श्री जी स्वयं उत्तर देते गए और 40 प्रश्नों का स्पष्टीकरण किया और कल वहाँ जो किरण्तन उतरे वचन विचारो रे मिठड़ी जवानी अर्थ लिए बिना जाय अंधेरी करत सबो को फानी अभी हमने वैष्णव कहिए वाँ को जाको निर्मल जाकी आत्म ये भी किरणतन हमने सुना तो सुन्दरसाज जी यहाँ धाम धनी तीसरे प्रसंग को दिखा रहे हमको महामती के स्वरों में के बिहारी जी महाराज ने नौतनपुरी जामनगर से तीन नियम को भेजा उसने एक पत्र के माध्यम से तीन नियमों को लिखकर भेजा क्या क्या नियम लिखा ये आगे धाम धनी बता रहे बिहारजी महाराज ने पत्र के माध्यम से लिखा के हे मिहराज मैं तीन बातों को लिखकर पत्र के माध्यम से भेज रहा हूं जो मेरे मन में जो बात उठी है विचार आया है ये बात को तुम जो वहाँ अपने साथ में सूरत में भी जो अमल करोगे और आगे भी जागनी कार्य में अमल करोगे तो हमारा धर्म सुव्यवस्थित सही ढंग से चलेगा और हमारा धर्म उज्जवल भी रहेगा और आगे भी बताया कि तीन नियमों का प्रचलन हमने नौतनपुरी में तो शुरू भी कर दिया है तो तुम भी वहाँ ये तीन नियमों का प्रचलन शुरू कर दो क्योंकि उससे ही हमारी धार्मिक व्यवस्था सही ढंग से चलेगी ऐसा नियम भेजा तो इस नियम में क्या क्या तीन बातें थी सुंदा जी पहली बात यही थी पहली बात यही थी कि निची जाति को तारतम्य देना दूसरा विधवा स्त्री को तारतम्य देना और तीसरा मेरे और तुम्हारे बिना तीसरा कोई तारतम नहीं दे सकता मतलब ये धाम धनी की बातें परमधाम की बातें ब्रज की बातें रास की बातें मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं बता पा बताने की किसी की शोभा नहीं है ये तीन नियम तुम वहाँ लागू कर दो ये पत्र श्री जी के पास जब सूरत में पहुँचा तो श्री जी ने ये पढ़ के श्री जी ने जब एक फिर वापस एक पत्र लिखा और जो पत्र में लिखा श्री जी ने कि हे बिहारी जी महाराज आपके लिखे हुए तीन नियमों से तो कोई आगे का जागनी का काम होने वाला नहीं है क्योंकि अभी तीन नियम वो समझाएंगे कि बिहारी जी महाराज आपकी बाहर की दृष्टि छोड़ के अंदर की दृष्टि से आप देखिए ने आप बाहर की दृष्टि से क्यों ऐसा सोच समझ कर विचार कर आप बोल रहे हो आप अंदर की दृष्टि से देखिए पहले तो हम यह समझे सुंदर साहद जी कि धर्म किसे कहते हैं और संप्रदाय मत पंथ किसे कहते हैं धर्म एक वृक्ष है एक पेड़ है और संप्रदाय मत पंथ एक उसकी शाखाएं हैं आज समाज में संसार में हम बोलचाल की भाषा में संप्रदाय मत पंथ को धर्म कह दिया धर्म तो अनादि है जब ये सृष्टि नहीं थी तभी भी धर्म था अभी भी धर्म है ये सृष्टि नहीं रहेगी महाप्रलय में जब विलीन हो जाएगी तभी भी धर्म रहेगा धर्म सत्य है सत्य धर्म है ये धर्म सत्य धर्म पर तो ये सृष्टि टिकी हुई है व्यास मुनि भी अपनी दो ही बुझाएँ ऊँचे कर कर कह रहे हैं कि जब ये सृष्टि नहीं थी तभी भी धर्म था तो धर्म को संप्रदाय नहीं कह संप्रदाय को धर्म नहीं कहना चाहिए यहाँ सुंदर साहद जी धर्म तो पूरी सृष्टि को धारण करके रखा है धर्म कोई मत विशेष संप्रदाय को धर्म नहीं कहते वो तो एक धर्म की एक वृक्ष की एक शाखाएँ है और यहाँ श्री जी ने और आगे बताया कि पत्र लिख कर वापस जो पत्र भेजा उसको एक तो उसमें लिखा कि भाई सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने तुमने जो तीन बातों को लिखा कि नीची जाति को नहीं विधवा स्त्री को नहीं और मेरे और तुम्हारे बिना कोई तारतम ना दे सके तो पहली बात यह समझाई कि भाई जाति जाति वेशभूषा या बोली का सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने उसने अपने टाइम से ही पहले से नात जात का भेदभाव को तो मिटा दिया है उस टाइम पे भी आपकी भी प्रत्यक्ष हाजिर थे जब सतगुरु धनी देवचंद्र जी की लीला उस टाइम पे जब गांगजी भाई के घर पे चाकला मंदिर में चल रही थी उस टाइम पे सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने क्या बताया था कि भाई जाति वेश भूषा ये किसी का कोई मतभेद देखना नहीं है ये भेदभाव मिटा दो आत्मा तो कोई भी जाति में उतरती है आत्मा के लिए जन्म के आधार पर नहीं लेकिन कर्म के आधार पर जाति नक्की होती है आज संसार में देखो ने जन्म के आधार पर माने जाते हैं ने लेकिन जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर क्योंकि तभी भी सतगुरु महाराज ने कोई भी जाति नहीं देखी कोई भी वेशभूषा नहीं देखी कोई भी बोली नहीं देखी तभी जो भी वर्ण में जो भी जाति में कोई भी परमधाम की आत्मा उतरी है सुंदर साहद जी तो उसको देखकर सीधे ही तारतम ज्ञान दे दिया है तभी उसने जाति का कोई भेद रखा नहीं है तो आज तुम जाति का भेद क्यों बता रहे हो और आगे भी बताया कि संसार में आज चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण है और एक हिंदू समाज में बारसो जाति है कितनी बार सौ जाति एक हजार मत और चार वर्ण बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और बार सौ जातियाँ सुंदर जी और आगे भी बताया कि भाई जाति नहीं देख के मान लो के कोई ब्राह्मण जाति में किसी ने जन्म लिया लेकिन उसका गुण स्वभाव और कर्म अच्छा नहीं है तो वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है और मान लो कि किसी ने चंडाल कुल में जन्म लिया भले वो शूद्र है लेकिन उसका गुण स्वभाव और कर्म जो अच्छे हैं अच्छे हैं तो वो ब्राह्मण है आज हम धार्मिक ग्रंथों से हम सुनते आ रहे सुंदर साहद जी धर्मग्रंथों का कथन के जाम्बाली ऋषि शुद्र सुद्र थे ना सुंदर साची जानु जानू नहीं जाम्बाली ऋषि गडरिया थे त्या उसके बाद जानु ऋषि शूद्र थे आ, मातंग ऋषि शूद्र थे और सुंदर सा जी रविदास जो मीराबाई के गुरु थे वो भी एक जूते बनाते थे ना वो भी एक चमार थे तो क्या तभी उस टाइम पे कोई जाति देखी मान लो के रावण पुलस्त का पोता और विश्वरा मुनि का पुत्र है वो ब्राह्मण कुटुम्ब में उसका परिवार में जन्म हुआ लेकिन वो कहलाया तो राक्षस ब्राह्मण कुटुम्ब में जन्म हुआ ने कहलाया राक्षस और आ ये जो व्यास मुनि है व्यास मुनि एक मल्लाह की पुत्री सत्यवती के गर्भ से जन्म हुआ तो भी आज पुराणों के वेद व्यता ज्ञाता बने ने वो तो ऐसी थोड़ी है या जाति का कोई भेद नहीं है कोई भी जाति में जो भगवान के भक्त प्रकट हो या बताया कि मीरा भाई मीराबाई के गुरु भी ऐसे विश्वामित्र देखो वो क्षत्रिय थे लेकिन अपने तब के बल पर वो भी एक विश्वामित्र मुनि कहलाए ना सुन्दरसाद जी तो ऐसे जाति वेशभूषा तो देखना ही नहीं है सबके अंदर ऐसे गीता में मान लो गीता में भी योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा ने कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन हे अर्जुन तो सब में एक ही आत्मा को देख उच्च नीच कोई ऊंचे है कोई नीचे जाति वर्ण ये कुछ भी ना देख सब के अंदर एक ही आत्मा को समान रूप से तू देख वैसे राम सबरी के उसके गुरु मातंग ऋषि थे ने राम ने भी सबरी के जूठे बेर खाए या नहीं खाए खाए ने कृष्ण जी ने दुर्योधन के व्यंजन ठुकरा दिए लेकिन विदुर जी की भाजी खाई या नहीं खाई विदुर जी तो एक दासी के पुत्र थे ने तो भी विदुर जी की भाजी खाई या नहीं खाई तो यहां जाति के कोई भेद भाव नहीं है सुंदर साहद जी यहां यहां बता रहे किसको बिहारी जी महाराज को पत्र में लिखकर के भाई सतगुरु ने तभी उस टाइम पे भी यह कोई जाति भेदभाव देखा नहीं है और भी बताया कि यह तो वैकुंठ वालों की भी राह नहीं है जो वैकुंठ के लोग हैं वैकुंठ तक पहुंचने वाले जो जीव है वहाँ को अवस्था प्राप्त करने वाले उस जो वेद और पुराणों के मानने वाले लोग हैं उसने भी उस जो कोई जाति में भले ही नीच जाति में कोई भगवान का भक्त प्रकट हुआ तो वहाँ भी जाति नहीं देखी तो हम तो परम धाम के है बिहारी महाराज हम तो अखंड परम धाम के रहने वाले हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा का हमने दावा लिया है तो आज आप ऐसी बातों कर अखंड का ज्ञान प्राप्त कर ऐसी छोटी छोटी इतनी छोटी कक्षा की बात की आप सोच क्यों रख रहे हो यह बिहारी जी महाराज को पत्र में वापस लिख कर भेजते हैं और भी आगे कहते हैं कि भाई सतगुरु महाराज उसने तो बोला कि भाई ये वाणी जो अखंड ज्ञान परमधाम का आया है पूरा संसार में फैलाना है ये कोई छोटे से एक संप्रदाय छोटे से एक बाड़े में बंद कर उसको एक सीमित दायरे में रखना नहीं है तो आप क्यों इतनी छोटी सोच रख रहे हो और आगे सुंदर साज जी वहाँ एक कलश ग्रंथ भी जो जामनगर में रास प्रकाश खटरुति और कलश की दो चौपाई कहाँ उतरी थी जामनगर हबसे में तो कलश यहाँ सूरत में पूर्ण होता है कहाँ होता है सूरत में कलश पूर्ण होता है तो कलश ग्रंथ भी श्री जी बिहारी जी महाराज को जब पत्र लिखकर भेजते हैं उसके साथ कलश ग्रंथ भी बिहारी जी महाराज को जामनगर में भेजते हैं कि जाओ वहाँ जाके कलश ग्रंथ दे दो कि कलश ग्रंथ उतरा है और कलश ग्रंथ में कलश ग्रंथ के आपको एक बोध हो जाए आपको एक पहचान हो जाए कि धाम धनी कहाँ बैठे हैं मतलब वहाँ गद्दी पर बैठे हैं या महामती के धाम दिल में बैठे हैं तो कलश ग्रंथ के साथ पाती भी नौतनपुरी में भेजी पत्र भी भेजा सुंदर साह जी तो वहाँ बिहारी जी महाराज ने जब ये पत्र को जब ये पाती को देखा ये कलश ग्रंथ को देखा तो कलश ग्रंथ को देख के बिहार जी महाराज तो बहुत दुखी हो गए क्यों दुखी हुए सुंदर साजी हो क्योंकि कलश ग्रंथ में कलश ग्रंथ लिया हाथ में और क्लेश कह के उसने बोला कि कलश नहीं ये क्लेश है मतलब कष्टदायी है कष्टकारक है मतलब दुखदायी है क्यों बोला क्योंकि जब कलश ग्रंथ खोल के उसने पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि सुख देऊ सुख लेव, सुख में जगाऊ साथ इंद्रावती को उपमा में दई मेरे हाथ और इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग जो अंग सोपे को इंद्रावती को ता में प्रेमे खिलाऊ रंग इंद्रावती को में सुंदर से इंद्रावती के श्याम समागम थयो, साथ भेलो जगवा में इंद्रावती को कहियो ऐसी कई कई चौपाइयाँ उसने पढ़ी तो बिहार जी महाराज को तो बहुत कष्ट हुआ उसको लगा कि भाई सब कुछ शोभा तो इंद्रावती की आत्मा को मिल रही है महामती को मिल रही है तो यहाँ गद्दी पर बैठने से तो मेरा कोई कोई महत्व रहेगा ही नहीं मतलब मेरा गद्दी पर बैठने से कोई भी गरिमा नहीं रहेगी महत्व नहीं रहेगा ये सब शोभा तो किसको मिल रही है इंद्रावती की आत्मा को महामती की शोभा भी उसको मिली तो बिहारी जी महाराज को बहुत वहां सुंदर सा जी कष्ट होता है दुख होता है और इतना ही नहीं उसने यह वापस फिर एक पत्र लिखा और पत्र में क्या लिखा बिहारी जी महाराज ने पत्र में लिखा कि हे मिहिराज मैं आज से तुमको सुंदर सात से बाहर निकाल देना चाहता हूँ और आज से मैंने निकाल दिया चाहता नहीं आज से मैंने तुमको बारह हजार की जमात से मैंने बाहर निकाल दिया है इतना ही नहीं कि सब काम हक से हो परम धाम में कोई ऐसा न कहियो कि जो काम अक से न हो सब काम अक से हो लेकिन एक काम परम धाम में राज्य भी नहीं कर सकते क्या काम नहीं कर सकते परम धाम को अपने चरण कमल से अलग करना बोलिए श्री प्राणनाथ अपनी रूहों को मूल मिलावे से अपने चरण कमल से अलग करना धाम धनी भी कभी कर पाते नहीं है ये बिहारी जी महाराज ने लिखा कि हे मिहिराज तुम तो और ऐसे मतलब मैं तुमको बारह हजार ब्रह्मात्माओं के मेले से बाहर निकालता हूँ और इतना ही नहीं मेरा और तुम्हारा नाता आज से कोई कुछ भी नहीं रहेगा मतलब थोड़ा भी नाता नहीं आपके साथ मेरा रहेगा इतना भी नहीं परमधाम से हमारा जो मूल नाता था ने मूल निसबत का ये भी मैं आज से तुम्हारे साथ में तोड़ देता हूँ ये बोल दिया ने बिहारी जी महाराज ने क्या बोला क्या किसी के कहने पर नाता जुड़ जाता है क्या किसी के कहने पर नाता जुड़ जाता है क्या टूट जाता है और जुड़ जाता है सुंदर साह जी इसलिए तो कई बार स्वामी जी भी चर्चा में कहते हैं कि अपना दिल है ना वो धाम बनाओ बाहर का कोई मंदिर या बाहर का कोई स्थान या बाहर की कोई भी चीजें कोई तोड़ देगा ठीक है आपको मतलब कई तरह से आपको दुखी करेगा लेकिन अंदर का अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम सुंदर सा जी जो हमारा दिल को हमने अरस बना लिया धाम धनी की बैठक हमने यहां बना ली तो क्या यहां से कोई निकाल सकेगा यही बात सुरदास ने कृष्णा जी को की थी ने जब गड्ढा आया जब कृष्ण जी ने पार करवाया सुरदास जी को फिर कृष्ण जी हाथ छुड़ा के जब चले तो सुरदास जी ने क्या बोला कि बाएं चुड़ा छुड़ा, छुड़ा जात हो है तभी तो, तो मैं मान लूँ लेकिन यहाँ से छुड़ा के जाओ तो मैं आपको सच्चा कहूँ तो सुंदर शाह जी यहाँ भी ये बात है कि क्या इंद्रावती के धाम दिल से महामती के धाम दिल से कोई निकाल सकता है क्या जो धामधनी की अखंड बैठक बना ली है मूल मिलावा ही नहीं पूरा परम धाम उतार दिया है उसके धाम दिल में क्या लीला हो रही है महामती के धाम दिल में तो जहाँ राज्य आ जाए तो पूरा परम धाम आ गया या नहीं आ गया तो महामती के धाम दिल में तो जी बैठे है तभी तो वानी उतर रही है तो परम धाम कहाँ है कहाँ है महामती के धाम दिल में है तो यहाँ बिहारी जी महाराज ने बोला इतना ही नहीं और आगे बोले कई वचन बिहारी जी महाराज ने ये बोला कि हे hey, मिहराज तुम तो कोई एक कविता बनाने की तुम्हारे अंदर तो कोई कवि की एक कलाकार ही है क्या है कविता बनाने की एक कोई कला है तुम्हारे अंदर तो हे मिहराज तुम अपने आप को अपने धाम दिल में एक धाम धनी की बैठक मानते हो और सब सुंदर साथ में क्या कहना चाहते हो सब में आप यही घोषित करना चाहते हो कि देखो मेरे दिल में ही धाम धनी बैठे हैं और मेरे अंदर से ही वाणी उतर रही है तो तू तु, तुम तो ऐसी चाल एक चल रहे हो ऐसी चाल एक खेल रहे हो तो सुंदर साथ जी ऐसे एस ऐसे एस सो कई बात लिखी और बताया कि इतना नहीं और आगे बोला कि हे मिहराज आज से तुम मेरे साथ पत्र का व्यवहार भी कभी भी नहीं करना अंतिम क्या बोल दिया नाता तो टूट गया सुंदर साथ से बहिष्कृत मैंने कर दिया धाम से भी बाहर निकाल दिया और बोला कि आज से पत्र का व्यवहार भी मेरे साथ कभी भी नहीं करना मैं आपके साथ कभी भी पत्र का व्यवहार नहीं करूंगा तो सुंदर शाह जी यह पत्र लिख के जब बिहारी जी महाराज ने यहाँ भेजे श्री जी के पास श्री जी ने जब ये पत्र पढ़े तो श्री जी को एक अंदर मिहिराज के जीव बैठे बस ये धामधनी ने लालदास ने अपने भावों में लिखा कि श्री जी को थोड़ा अंदर से कष्ट हुआ दुख हुआ श्री जी के भावों से लिखा दुख तो जीव को होता है लेकिन उसने लिखा के दुख हुआ अरे ऐसा कठिन समय या दिखना पड़ रहा है मतलब मिहराज जी को ऐसा लगा श्री जी को ऐसा लगा कि बिहार जी महाराज के अंदर क्या परमधाम की रतनबाई की वासना नहीं बैठी है क्या इतने निष्ठुर हृदय हो गए हैं इतने कठोर दिल हो गए हैं कि ऐसा वचन लिख रहे हैं ये बिहार जी महाराज के मुख से शोभा नहीं देता है बिहार जी महाराज के मुख से वचन शोभा नहीं देता है तो ठीक है चलो भले बिहार जी महाराज ने लिखा कोई बात नहीं मैं अपने मन को मोड़ लेता हूँ तो सुंदर सात जी यहाँ से दोनों के बीच में जो ये एक मतभेद चल रहा है अंदर से श्री जी तो सब बातें को सब बात को अंदर से समझ रहे हैं और यहाँ से और आगे बातें चली कि सुंदर साथ ने देखा क्या देखा कि भाई बिहारी जी महाराज बार बार ऐसे पत्र को लिख कर यहाँ श्री जी को और सुंदर साथ को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो सुंदर साथ ने सब ने मिलकर भीम भाई ने आगे वानी ली क्या किसने ली भीम भाई ने सूरत में भीम की खुली नजर तो जो भीम भाई की आत्मदृष्टि जब खुल गई और भीम भाई ने आगे वानी ली सुंदर साथ जी और आगे वानी लेके उसने बोला कि सब सुंदर साथ एकत्रित हो जाओ चलो हम आपस में एक विचार विमर्श करे एक मसलत करे कि चलो धामधनी की बैठक किस दिल में है क्या गद्दीपति पर बैठे गद्दी पर बैठे हुए बिहार जी महाराज के अंदर जामनगर नवानगर में नौतनपुरी में गद्दी पर बैठे हुए बिहार जी महाराज के अंदर धामधनी की बैठक है या सीजी जी के अंदर है यह कौन पूछ रहा है यह प्रसंग बदल गया भीम भाई किसको पूछ रहे हैं सुंदर साथ को पूछ रहे हैं कि आप ही सोच समझ कर बताइए कि कहाँ धामधनी की बैठक है तो सुंदर साथ ने आपस में मसलत की विचार विमर्श किया और सब एक एकजुट मिलकर एक संगठन एकता बनकर सुंदर शाह जी सब ने एक निश्चित किया फाइनल किया कि नहीं धामधनी की बैठक श्री जी मतलब महामती के धाम दिल में बैठक है श्री जी स्वयं प्राणनाथ अक्षरातीत युगल स्वरूप राय श्यामा जी महामती के धाम दिल में यहाँ मीरा ठाकुर के अंदर विराजमान है नौतनपुरी जाने की किसी को जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी यहाँ साफ साफ बता दिया और सुंदर साथ ने मिलकर किया बताया कि हे इंद्रावती जी आप दुखी मत हो हे श्री जी आपका आप दिल व्यथित मत करो क्योंकि आप तो बिहार जी महाराज का स्वभाव जानते ही हो हमने तो बस आपके अंदर ही प्राणनाथ का दर्शन किया है राज जी का दर्शन किया युगल स्वरूप का दर्शन किया है और पूरे संसार को अखंड करने की जगाने की सिर आपके सिर ऊपर उत्तरदायित्व है और जागनी का पूरा उत्तरदायित्व सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने आपको चौथे दिन में आपके सिर पर दिया था तो आप अपने सिर पर वो कार्य लेके आप आगे बढ़ो हम सब सुंदर साथ आपके साथ में है क्या किया हम सब सुंदर साथ आपके साथ में है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुंदर साह जी सत्य को तो हर कोई साथ देगा ही देगा जो झुठ का सहारा लेगा उसकी कभी भी विजय नहीं होगी महाभारत का कथन भी हम कई बार सुनते हैं सुंदर साहद जी कि दुर्योधन ने चुटका सहारा लिया और सुंदरसाजी पांडवों ने सत्य का सहारा लिया ने कृष्ण का पक्ष लिया और दुर्योधन ने दुष्ट मतलब एक झुठ का सहारा लिया दुर्योधन को पता था कि जाना मी धर्मम न चमे प्रवृत्ति जाना मी अधर्मम न चमे निवृत्ति पता था ने उसको तो भी उसने बोला कि भाई मैं जान मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है लेकिन मेरा मन मानता नहीं है मैं जानता हूँ अधर्म क्या है उस मेरे मन स्वीकार करता नहीं है सुंदर साधजी यही बात भीष्म पिता मैंने भी कही थी कि जब युधिष्ठिर को अंतिम बुलाया और युधिष्ठिर को बोला कि यतो धर्म ततो विजय हे युधिष्ठिर तूने सत्य का पक्ष लिया है तो आज तेरा विजय हुआ है तो सुंदर साध जी सूर्य जब उग निकल आते मतलब सुब, सुबह सुबह को जब उदय होते हैं तो जब ये बादल कितनी देर तक ढकते हैं थोड़ी देर के लिए न फिर तो नीचे उजाला आ ही जाता है यहाँ क्या बताया कि अज्ञानता रूपी बादल कितनी देर तक रहा फिर हट गया ना क्योंकि जहां सत्य का प्रकाश होगा भले ही थोड़े छोटे से ग्रुप है लेकिन पांडवों कितने थे और कौरवों कितने थे पांडवों पांच थे कौरव कितने थे सो so, विजय किसकी हुई पांच पांडवों की हुई, की हुई या धामधनी क्या बता रहे कोई बहुत बड़ा मतलब एक जूथ बन जाए बहुत बड़ी अनुयायी की संख्या बन जाए तो ऐसा नहीं कि धामधनी उस दिल में बैठ जाएगा और वहां सपोर्ट करेगा या उसकी विजय होगी ऐसा नहीं है हमारे पास सत्य है हम प्राणनाथ की वाणी पर चल रहे हैं सुंदर साहद जी तो हमारे थोड़े से सुंदर साथ भी इतने आगे का काम जागनी प्रचार का कर सकेगा तो सुंदर साहद जी हम और आगे बढ़े यहाँ शी जी को सब सुंदर साथ ने बोला कि शी जी हम बस हम आगे लेते हैं और बस आपको एक सिंहासन पर बैठाकर आपकी और बाइजूराज जी की साथ में बिठाकर हम आरती उतारे और तो सुंदर साहद जी वहाँ बायजूराज जी श्री जी और बायजूराज जी की आरती भी वहाँ उतारी और जुगल स्वरूप को सिंहासन पर बैठाकर और हम महामंगलपुरी जो पहला नौतनपुरी पहले बी जुदय हुआ पुरी जहाँ नौतन सब पुरी में उत्तम हुई जो दन धन ये मध्यपुरी कहावे नौतन जेनु नाम उत्तम चौदह भवन में जावाला नो विश्राम तो पहली नौतनपुरी और दूसरी मंगलपुरी जहाँ सैयदपुरे में भक्त शिवजी भाई के घर पर सुंदरसा जी इतना मंगलमय काम हुआ इसलिए मंगल पूरी कहा गया बोलिए श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय और आगे हम दूसरे प्रसंग की ओर जाए तो उस टाइम पे सुंदर साहद जी लालदासी का प्रसंग यहाँ जुड़ता है लालदासी 1724 में चौबीस नगर में मिले थे श्री जी को कहाँ मिले थे नगर में फिर यहाँ धामधनी के दिल में विचार आया कि बस लालदासी को माया की उलझन से अब निकालना है यहाँ से सुंदर जी एक ही सिख हम सब सुंदर साथ ले, ले कि धाम धनी जिसको चाहेंगे ने माया से निकाल कर धाम धनी जिसको अपने चरणों में लेना चाहेंगे चाहे जितना भी हम कर लेने तो भी धाम धनी माँ चैन सुख चैन से बैठने नहीं देंगे कहीं कहीं से भी उठा लेंगे धनी हम मानेंगे ना कि भाई हम घर परिवार में सुख से चैन से शांति से बस हम रहे, वहाँ ऐसा आराम से जागनी करे, ये कर ले ये कर ले लेकिन नहीं कर पाएंगे ठीक है भाई आपको क्या शांति से वहाँ रहने दिया आर्मी में नहीं रहने दिया ने वहाँ से उठा लिया ने देखो सेवा में भैया को भी क्या शांति से रहने देते वहाँ कॉलेज में स्कूल में जहाँ भी हो ठीक है रात दिन यहाँ लगा रहना पड़ता ना धामदनी जिसको चाहेगे ये नहीं करो भैया आज हमारे बीच से चले गए ना ओमवीर भैया भी चौहान जी भैया तो हमारे बीच में सुंदरसा जी सेवा कर ही रहे भैया भी निभा रहे देखो जब तक मैंने कल भी बोली थी ने कि धाम धनी जो चाहेगे ने अपने मन में जो भी अपने मन में इच्छा करेंगे ने वही होगा जिसको अपने चरणों में लेना है उसको तो ले ही लेंगे ये लालदासी की बात नहीं है ये हमारी सबकी यही कहानी है देखो बच्चे को कहाँ से कहाँ से उठा गले उठा लेते हैं न कहा वहां सुगंधी भेज देते हैं और कहाँ क्योंकि धाम धनी तो अनंत दृष्टि है ना उसकी नजर तो हजारों किलोमीटर दूर नहीं अब जो लाखों किलोमीटर दूरी तक पड़ती है कि कौन कहा क्या कर रहा है कम गुफा में बैठे चुप के काम कर ले तो भी धाम धनी की नजर तो वहां भी है जहां आप तहा नजर जहां आप तहां नजर जहाँ नजर तहाँ मेहर मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे लेकिन धाम धनी अपनी मेहर तले अपनी नजर तले अपनी छाव तले छत्र के नीचे जब लेना चाहते हैं तो हमारा बस चलने वाला नहीं है इसलिए लालदासी पर सुंदर साद जी बातुनी में तो महर जाहिर में भले कहर है लेकिन बातुनी में महर है क्या बता? है? दो मेहर देखत खेल में दो उमेहर देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर जाय अंदर मेहर कछु नहीं आखर हो तक से दूर सुंदर साजी दो मेहर खेलने खेल के अंदर है एक हम जाहरी मेहर जो हमारे घर में कोई धन संपत्ति ज्यादा हम कमा ले या पुत्र परिवार ठीक ठाक से बस सब कुछ चल रहा है या आसपास के पूरे परिवार सगे संबंधी रिश्तेदार सब ठीक ठाक मतलब सब हमारा व्यवहार अच्छा चल रहा है तो हम मानते को हो कोई हमको पूछे कि भाई कैसे हो ठीक हो हाँ सब कुछ ठीक है बस ये हमें ज़ाहरी मेहर देखते ठीक है ये हम सब ज़ाहरी मेहर मानते हैं हम बस यहाँ के लौकिक जो मेहर है लेकिन हमारे अंदर जो बातूनी मेहर बरस रही है ये तो हमने कभी भी उसकी ओर देखा भी नहीं कि बातुनी मेहर क्या है ये धाम धनी जब हम आकोट के सुकराने में जाएंगे न तभी मैं पूरी आपको विस्तार से बताऊंगी यहाँ मैं ये बात इतनी लूँगी कि सुंदर साहद जी बातुनी मेहर क्या है कि बातुनी मेहर यही है कि सुंदर साथ को इत ही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम धनी महामत अस्ताली दे साथ उठता हंसता सुख ले ये बात उन्हीं मह है सुंदर शाह जी यहाँ बैठे बैठे हम ब्रज का दीदार कर ले जो हमारी लीलाएं घटित हो गई यहाँ बैठे बैठे हम रास का दीदार कर ले और यहाँ बैठे बैठे हम मूल मिलावे में हमारा मूल तन परात्म को हम देख ले और परात्म तन अक्षराती धामधनी राज्य के चरण कमल में बैठा है सुंदर साहद जी वो स्वरूप का वो श्रृंगार का वस्त्रों का आभूषणों का हम यहाँ बैठे बैठे हम दीदार कर लेने सुंदर साहद जी वो हमारी बातूनी मेहर है या और भी बातुनी मेहर में बताऊ सुंदर साहद जी तो यहाँ मन लो कि हम जब निजानंद संप्रदाय में जब हम शामिल हुए हमका हमारे अंदर जब विवेक चक्षु जागृत हुए विवेक चक्षु जागृत होने के बाद जब हम हमारी जर्नी की ओर आगे बढ़े अध्यात्म की जर्नी की ओर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद जब आगे बढ़ते गए तो हमको रोज यही दर्द होना चाहिए रोज यही पीड़ा होनी चाहिए कि धामधनी आज तूने मेरे को एक तारतम की छ चौपाई की शुद्धि दी तू आगे और वाणी की शुद्धि मेरे को दे वाणी में धामधनी तू क्या कहना चाहता है और वाणी में और डूबो और बीतक क्या कहना चाहती है बीतक में हमारे सुंदर साथ कैसे चले इस राह पर कैसे कुर्बानी की तो ये जो अंदर की शुद्धि आती जाए ये पहचान होती जाए ये धामधनी की बातों नहीं मेहर है और आगे बढ़े तो धामधनी परम धाम हमारा जो पच्चीस पक्ष है परम धाम जो धाम तलाव कुंजवन सोहे मानिक नेहरे वन की जो है पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए जी जमुना जी लइे आठों सागर आठ जिमी के ये पच्चीस पक्षी धाम धनी के नूर नीर क्षीर दधि सागर ध्रुत मधु एक ठोर रस रस सागर बिना मोमी न पावे कोई और तो ये जो हमारा पच्चीस पक्ष की जो शोभा बनी है ये पच्चीस पक्ष धाम धनी तेरे दिल में है ये पच्चीस पक्ष जो परम धाम के प्रत्यक्ष रूप में भी है ये शोभा हमारे हमारे यहाँ के आत्मा के धाम दिल में पूरी शोभा बस जाए धनी और तेरी युगल स्वरूप तुम्हारी पूरी संपूर्ण शोभा मेरे धाम दिल में नक से सिख तक बस जाए बस मेरी यही बातुनी मेहर है और कोई नहीं जाहिर मेहर तो धामधनी अपने कर्म के हिसाब पर ये तो करते ही रहेंगे जो हमने जैसे ही हमारे कर्म है पूर्व जन्म के कोई कर्म है हमारे सुंदर साजी तो वैसे हमारी ये तो हमारी करनी के हिसाब मुजब हमारा चलता ही रहेगा लेकिन सुन्दरसाह जी यहाँ बताया कि ब्रह्मात्मा कैसी होगी तो यहाँ धामधनी आज लालदासी के प्रसंग से हमको बताएंगे कि लालदासी नगर में मिले थे लेकिन तभी पूर्ण पहचान अभी की नहीं थी क्योंकि अंदर सी अंदर की जब एक लोह नहीं लगती ने एक पीड़ा एक विरह की टीस नहीं फूटती न तब तक चलने के लिए कोई तैयार नहीं होता ये भी वीरह की टीस भी कब होती जब धाम धनी आदेश करते ने उसका हुक्म होता ने तभी अंदर से टीस आती तभी पीड़ा होती तभी अंदर से दर्द होता इसलिए तो बोला दुख से विरह उपज सी से प्रेम ईशक ईशक प्रेम जब आईया तब नेहचे मिलिए हक जब दुख आए ने तभी अंदर से पीड़ा दुख भी किसने दिया दुख भी किसने दिया इसलिए तो इंद्रावती ने बोला कि दुख तो मेरे प्राण से प्यारो मैं क्यों कर छोड़ियो जाए जो मैं लियो है बुलाई? क्या बोला दुख तो मेरे प्राण से भी प्यारो मैं क्यों कर छोड़ियो जाए जो मैं लियो है बुलाई? सखी रे आ तमरो गबरो लॻियो सखी रे आ तमरो गबरो लॻियो जको दार ले त बि सखी गबरो लगियो चौद भवन में न पाये चौद भवन में न पाए जो हुआ हाथ हबी सखी रे आतमरो गबरो लग्यो सखी रे आतम रो महामती कहे दुख को मोल कियो न

सखीरे आतमरो गबुरो लगो सखी गबुरो सुंदर साजी धाम धनी ने इतनी बातों को पहले अगले लेकर इतना दर्द पहले क्यों ले लिया अभी लालदासी पर यह जो घटना घटने वाली है लाल दस पर घटने से पहले धामधनी दर्द ले रहे हैं कि जिसको मैं निकालना चाहूँगा ने जो किया वो मेरे हुक्म से हुआ जो हुआ हुक्म से हुआ अभी हो रहा है वो भी हुक्म से हो रहा है और होने वाला है वो भी हुक्म से होगा जो किया वो भी मैंने किया वो भी हो रहा है ये भी मेरे कहने पर हो रहा है और अभी होगा ये भी मेरे कहने पर ही होगा हमारे से मतलब हमसे तिनका भी उठा भी नहीं जा सकता सुंदर सा जी उसके हुक्म के इसलिए तो हम बोलते हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म ई तुम्हारा पिया जी क्या चले जियो जानो त्यो करो खसम आज लालदासी को निकालना है ने सुंदर जी मैंने इतनी बड़ी विस्तार से बात क्यों ली क्योंकि जो लालदासी की शोभा है ने आखिर छत्र साल को ये शोभा होगी जिस तन से जो शोभा लेनी है वो पहले धामधनी आज इतना दर्द क्यों ले रहे हैं कि लालदासी को माया की उलझन से निकालना है सुंदर शाह जी अब सत्रह का समय है क्या समय है सत्रह का समय है लालदासी तब पोरबंदर में है सुदामापुर कहा गया क्या कहा गया सुदामापुर आपको पता है कृष्णा और सुदामा की जो दोस्ती सुदामा गरीब थे ने, उसके मित्र और एक बार जब उसके महल में गए तब तो वहाँ से जो कुछ धन संपत्ति भेंट मिली थी ये प्रसंग को आपको सबको पता है तब से ये बात प्रचलन में आई कि सुदामापुर सुंदरसा जी तो सुदामापुर मतलब पोरबंदर जो पोरबंदर है वो गांधी जी का भी जन्म स्थान है गांधी जी मोहनचंद करमचंद गांधी जी तो गांधी जी का जन्म स्थान भी पोरबंदर है और लालदासी महाराज का भी पोरबंदर है तो लालदासी महाराज सत्रह में अभी हम में सूरत में ये प्रसंग को मत भूलना कहाँ है हम सत्रह में सूरत में है और सत्रह का प्रसंग सुना रहे हैं यहाँ श्री जी कहाँ का सुना रहे हैं अभी महामती के धाम दिल में बैठकर है उनतीस में सूरत में लेकिन सत्रह का प्रसंग सुना रहे जैसे कल हमने नलिया बंदर में देखा ने धारा भाई का एक साल पूर्व का प्रसंग सुनाया ने आज क्या प्रसंग सुना रहे हैं सत्रह का और सुनाते हैं कि सत्रह में लाल जी बोल रहे सुना रहे हैं यहां अपना किस्सा कि मैं सुधामपुर गया वहां गया वहां मैं अखंड ब्रज और रास की चर्चा भी प्रारंभ कर दी अपना जो घर है ना वो वहाँ मंदिर है तो वहाँ अखंड ब्रज और रास की चर्चा भी प्रारंभ कर दी वहाँ भीम भाई पीताम्बर भाई सब मिले उसने पहले ठट्ठानगर में भी चर्चा लालदासी के मुखार से सुनी थी किसने भीम भाई ने पीताम्बर भाई ने तो उसको थोड़ा कुछ तो ईमान आया था फिर यहाँ फिर उसने चर्चा शुरू कर दी तो वहाँ भी भीम भाई पीताम्बर भाई भी आए और जो माऊजी भाई मस्कत वाले उसके बेटे कांजी, उसके बेटे कांजी थे ने, तो कांजी भी वहाँ चर्चा सुनते कहाँ पोरबंदर में तो उसने भी उसको भी ईमान आया सब ने वहाँ तारतम लिया और सब ने अपनी आत्मा को सुंदर साजी श्री जी के चरणों में सौंपा मतलब लालदासी महाराज से सब ने तारतम लिया भीम भाई ने पीताम्बर भाई ने और कांजी भाई ने माऊजी भाई के बेटे ने वहाँ चर्चा शुरू की तो वहाँ के जो मार्ग संप्रदाय के लोग राधावल भी मार्ग के लोग वहाँ बहुत प्रचार प्रसार था तो वो लोग ने निंदा शुरू करनी शुरू कर दी क्या करी कर दिया उसने निंदा शुरू कर दी क्यों निंदा शुरू कर दी क्योंकि भीम भाई पीताम्बर भाई ये अपने मार्ग संप्रदाय के अनुयायी थे ये लोगों ने यह चर्चा अखंड ब्रज की रास की सुनी शाह जी कि किस चर्चा को लालता सीमा बता रहे थे जो सतगुरु धनी देवचंद्र जी जब चाकला मंदिर में चर्चा करते थे गांगजी भाई के वहाँ ब्रज की रास की करते थे ना वहाँ तो जवां सुंदर साथ जब कई बार इच्छा करते थे कि धामधनी आप सतगुरु के धाम दिल में बैठे थे स्वयं धाम धनी के धाम धनी आप जो चर्चा करते हो व्रज की तो आप व्रज का दृश्य हमको देखना है तो वहाँ व्रज की लीला खड़ी हो जाती थी कई बार मक्खन की छींटे दीवार पे कई बार कई कई लीलाएँ व्रज के वहाँ दर्शन होते थे और कई बार सुंदर साथ बोलते थे कि धामधनी हमको तो जमुना जी में जिन्ना करना है हमको तो जमुना जी में जिन्ना करना है तो वहाँ जमुना जी भी प्रकट हो जाते थे तो वो लीला जब करते थे तो हीरबाई वहाँ थी ने चाकला मंदिर में तो हीरबाई तीन बार भोजन बना के सदगुरु को मतलब सदगुरु के दिल में कौन बैठे थे स्वयं अक्षरातीत तो कृष्ण जी के रूप में तीन बार भोजन करने के लिए चाकला मंदिर में स्वयं श्रीराज जी आते थे ने वो चर्चा लालदास जी कहाँ करते हैं पोर बंदर में वहाँ जब ये चर्चा करते हैं अखंड ब्रज की रास की तो भीम भाई कांजी भाई ये पीतामर भाई सबको ईमान आ गया उसने तारतम ले लिया तो निंदा क्यों शुरू कर दी कि भाई हमारे ये कौन ऐसा मत आया है ऐसे संप्रदाय वाले कौन लोग आए हैं यहाँ चूहे का धर्म किया क्या कहा चूहे वाला चूहिया वाला जो उन्दर गुजराती में उसको उन्दर बोलते हैं कि ये चूहे के धर्म वाला यहाँ कोई नया पंथ चल पड़ा है देखो ने ये लोग तो बस ऐसी नई राह चलाई है वहाँ कोई कृष्ण जी विष्णु जी आते नहीं है क्योंकि चो इसलिए तो उसको उंदर या मंदिर उंदर या धर्म कह के, के वहाँ मंदिर से नाम से पुका, जाना जाता है पोरबंदर में भी अभी सुंदर साज जी तो चूहिया का मतलब ये लोगों ने ये बात फैलाव कर दी अपने संप्रदाय में पुष्टि मार्ग संप्रदाय में राधावल्भी मार्ग में कि ये उंदर या चूहे का धर्म में वाला मत कोई निकला है कि ये लोग आ, थाल लगाते आ, पर्दा कर देते और एक चूहा आता है चूहे के पैर में घुँघरू बांध देते हैं तो जब चूहा अंदर जाता है पर्दे के अंदर जहाँ भोग लगाया है वहाँ चूहा ये प्रसाद खा लेता है और खाने के बाद जब चलता है तो घुघरी बदती है तो वो लोग कहते हैं कि देखो हमारे मंदिर में तो रोज कृष्ण जी भोग आरोगने के लिए आते हैं तो उस नाम से वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे मंदिर में कृष्ण की जी रोज़ प्रसाद आरोगने के लिए आ तो कृष्ण के नाम पर ये लोगों ने तो ये चूहे का धर्म चलाया है उसका प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए चूहे का जूठा प्रसाद भी लेना नहीं चाहिए ऐसी वहाँ एक सुंदरसाद जी एक घटना और घटित हुई और उसके बाद लालदास जी को जो ये घटना घटने के बाद सुंदर साहद जी लालदास जी सत्रह में जब उसको कहाँ पहुँचाना था सूरत में सूरत में पहुँचाना है ना? तो माया की उलझन आई क्या उलझन आई माया की ऐसी उलझन धामधनी ने दिल में लिया ना मैंने अभी आपको दस पंद्रह मिनट बता दिया कि ऐसी उलझन आई कि जो अपने माल से भरी हुई गोदाम में आग लग गई पूरी और इतना ही नहीं माल से भरे हुए सामान से भरे हुए जहाज जो दरिया में आ रहे थे वो सब जहाज भी दरिया में डूब गए सब जहाज़ भी डूब गए और माल जो गोदाम में थे वो उसमें भी आग लग गई तो लालदासी पर मतलब इतना संकट आया और जो लेनदार लोग है पैसा जो मांगने वाले लोग हैं उसके घर पे भी आने लगे क्योंकि जी को क्या करना था बातुनी मेहर करनी थी ना जाहिर में भले कहर की लेकिन बातूनी में तो ये मा क्योंकि उसने मूल स्वरूप ने अंदर एक संकेत दे दिया यहाँ श्री जी के दिल में मूल स्वरूप ने आवेश स्वरूप को संकेत दिया कि लालदा लालदा जी को ये माया की उलझन से बाहर निकालो क्योंकि आगे का जागनी का इतना बड़ा उत्तरदायित्व तो उसके सिर पर देना है वो आपका अंतिम लीला तक उसका साथ निभाना है तो सुंदर शाह जी वहाँ से उसको बाहर निकाला गया कैसे निकाला गया ये आगे धामधनी बता रहे हैं तो लालदासी सुंदर सा जी जब गोदाम में आग लगी जहाज भी डूब गए कहीं लीलारस सागर में भी आगे और बात बताई और भी तकों में भी लिखी है कि निन्यानबे जहाज थे उसके पास कितने निन्यानबे जहाज थे वो सब डूब गए अपने पास कुछ बचा नहीं खाली क्या रहा लोटा आगे बताएगे धाम धनी तो घर पे मांगने वाले लोग पैसा लेन जो दिनदारी चुकने चुकते करनी थी ये लोग आने लगे तो लालदासी ने भी सोचा क्योंकि लालदासी ने पहचान तो श्री जी की की थी लेकिन पूर्ण स्वरूप से की नहीं थी पूर्ण रूप से अभी की नहीं थी तो लाल राज जी ने क्या सोचा कि पूर्ण रूप से निकालने के लिए तो माया से पहले अलग करना ही पड़ेगा तो सुंदर सा जी धाम धनी कई बार हमारे घर में भी कैसे कोई बार ऐसी परिस्थिति कोई अवश्य संकट आ जाए ना तो हम क्या मान लेते कि धाम धनी हमारे घर पर ऐसे संकट मतलब हम धाम धनी को दोषी ठहराते ना कि धामधनी हमारे घर में ऐसी परिस्थिति क्यों खड़ी कर दी क्यों हम पर फिर हम मन्नत मांग ले लेते यह करने लगते लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी सुंदर साहद जी कि भले धामधनी कदा जाहिर में कह रहे लेकिन बातुनी में हमारे मेहर है देखो कुंती ने अंतिम में क्या मांगा था कृष्ण जी से ने क्या मांगा था अंतिम में कृष्ण जी से दुख मांगा था तभी तो कृष्ण जी साथ में रहे ने हमारे साथ हमको किसको रखना है राज्य को रखना है ना तो लालदासी के साथ कौन चले गए राज्य चले गए ना लालदासी जी के साथ चलेंगे ना तो जी मिलने वाले हैं तो माया की तो क्या अस्तित्व ही है इस ब्रह्मांड में कुछ है तो धामधनी ने माया से अलग किया तो सही किया ने धामधनी ने मैं कई बार चर्चा में कहती हूँ कि सुंदर साहु जी हमारा न्यानबे डूबे ना इससे पहले हम धामदनी के चरणों में झुक जाए बोलिए सी प्राण लालदासी सी नयानबे डूबने के बाद गए ये तो एक प्रसंग हमको एक शिक्षापन के रूप में दिया एक बोध के रूप में दिया उस प्रसंग से हमको इतना ही समझना है कि हम हमारा नयानबे डूबे ने कभी कान नहीं चलेगा आँख नहीं चलेगी कभी ये जॉइंट नहीं बैठने में थकान लगेगी ये नियानबे डूबने वाले ही एक दिन तो वो नियानबे नहीं ये तो डूबना ही है एक दिन आँख बंद होगी तो वो तो डूबना ही है लेकिन ये नियानबे ना डूबे ने इससे पहले हम धाम धनी के चरणों में हमारा सब कुछ समर्पित कर दे सुंदरसाज जी तो यहाँ माया की उलझन से बाहर निकाला और लालदासी वहां से निकल पड़े मांगरोल पाटोन गए क्या गए वहाँ से निकले तो बीच में मांगरोल पाटन पड़ता है तो वहाँ गए तो वहाँ जाके वो राजा ने नहीं वो जो व्यापारी लोगों ने पहरेदारों को वहाँ चौकी बैठा दी थी जिन जिन लोगों का माल था सामान था जिस जिसकी दिनदारी करनी थी पैसा लेने था वो लोगों ने वहाँ चौकी पैरों रख दिया था कि भाई वहाँ लालदासी आए तो उसको नौतनपुरी की ओर जाने देना नहीं है उसको कहाँ जाने देना इधर की ओर पता ही नहीं था कि राजी ने क्या बीच में चाल खेल ली है राजी को तो यही तो मंजूर था कि भाई नौतनपुरी जाना ही नहीं है सूरत तो जाना है श्री जी तो सूरत में है क्योंकि वहां से जागनी यात्रा में आपको जुड़ना है ने, तो बीच में राज्य ने क्या लीला खेल ली पता ही नहीं चला ने तो मांगरोल पाटन से नौतनपुरी क्यों नहीं जाने दिया कि भाई व्यापारी लोगों को यह डर था कि जो नौतनपुरी की ओर जाएंगे तो वहां जाके वैराग्य ले लेंगे और महात्मा बन जाएंगे तो हमारा पैसा देंगे नहीं तो इधर की ओर मोड़ो तो इधर की ओर मोड़ा तो वहां से निकलकर श्री जी पंद्रह दिन दीव बंदर में सॉरी लालदासी पंद्रह दिन दीव बंदर में रुके कहाँ रुके लालदासी पंद्रह दिन देव बंदर में रुके और वहाँ से घोघा होते हुए सुंदर सा जी सूरत में पहुँचे सत्रह में वहाँ पहुँचे श्री जी को मिलते ही उसका त्रिविध का ताप सब संशय अंदर का जो भी कष्ट था भूत भविष्य और वर्तमान में चलने वाला सुंदर साह जी सब अंदर का त्रिविध का देहिक भौतिक आधिदेहिक सब ताप मिट गए श्री जी को देख के इतना अंदर से करार हुआ ठंडक मिली शीतलता मिली और उसके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सुंदर शाह जी ये किस्सा वहाँ फिर हम जोड़ दे सूरत में कि सत्रह सौ उनतीस का समय आ गया तभी वहाँ तहाँ लालदासी वहाँ पहुँचे और लालदासी जब वहाँ पहुँचे तो उस टाइम पे श्री जी को देख कर इतनी खुशी मिली त्रिविद के ताप भी मिट गए अंदर शीतलता हुई और धाम धनी के चरणों में अपनी आत्मा को तो समर्पित किया दोपहर का समय था सीजी जी ने बोला कि लालदास आप भोजन प्रसाद आरोग लो तो लालदासी ने क्या प्रण लिया था कि जब तक मैं नौतनपुरी जाकर बिहार जी महाराज जो गद्दी पर बैठे हुए हैं वहाँ मैं प्रणाम नहीं कर लूँगा तब तक मैं भोजन का एक अन जड़पन एक अन्न का एक दाना भी मैं नहीं लूँगा तो यहाँ श्री जी कभी भी नहीं बोले थे सुंदर जी कि मैं ही प्राणनाथ हूँ मैं ही श्रीजी हूँ मैं ही अक्षरातीत हूँ भी यहाँ है सब बस सब सुख यहाँ है ऐसा कभी भी श्री जी ने अपने मुख से नहीं बोला था लेकिन आज लालदासी को सत्रह में वहाँ सूरत के अंदर श्री जी ने स्वयं अपने मुख से बोला कि लालदासी आपको नौतनपुरी जाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है श्री जी प्राणनाथ जी श्री प्राणनाथ जी युगल स्वरूप धामधनी की बैठक ही यहाँ है सब सुंदर साथ के मेले में आप मिल गए ना यहाँ लालदासी को क्या बोला श्री जी ने सब सुंदर साथ के मेले में आप मिल गए ने तो मान लो कि यहाँ ही परमधाम है यहाँ युगल स्वरूप है यहाँ प्राण नाथ है आपको नौतनपुरी जाने की जरूरत नहीं है तो सुंदर जी तब लालदा के अंदर लालदासी ने भी प्राण तोड़ लिया तोड़ दिया और भोजन प्रसाद आरोगा और सुंदर साहद जी वहाँ से आगे बढ़े हम तो वहाँ लालदासी ने बोला कि जब मैं श्री जी के चरणों में आया और कैसे वहाँ मैं पहुँचा और मेरा कैसे मिलाप हुआ और वहाँ से मेरे और बिहार जी महाराज के बीच का कैसे अंतराय और अलगाव बना और ये बात को रखकर आगे हम सुंदरसाज जी बताते हैं कि वहां से महाजरो महाजरों मतलब महाजरों ने इतनी मदद करी ये आगे धामधनी बताएंगे हमको कि एक 500 की जमात का काफला कारवा चला वहां से कितना सूरत से निकले तो 500 की जमात वहां एकत्रित जामनगर से निकले थे सुंदर साहद जी जागनी यात्रा तो हमारी दीव बंदर से शुरू हुई ने, लेकिन हमारी वैसे तक की घटना तो मूल मिलावे से शुरू हुई है फिर जामनगर और हमारी सही रूप में जागनी यात्रा दीवा बंदर से शुरू हुई तो दीव बंदर से लेकर सूरत तक हम पहुँचे तभी 500 की जमात एकत्रित हो गई थी कितनी 500 की ये कारवा लेकर मतलब ये महाजर मतलब जिसने अपना सब कुछ धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया जिसने अपना सर्वस्व सगे अपने सगे संबंधी रिश्ते परिवार सबको छोड़कर रोज हर हमेश के लिए वो निकल पड़े और कहाँ तक तो श्री के जी के साथ अंतिम जहाँ जागनी का झंडा पन्ना में गाड़ा जाएगा ने तो जागनी का झंडा अंतिम वहाँ गाड़ा जाएगा वहाँ भी अपने अंतिम श्वास तक और सीजी की लीला तक अपना पूरा समय गुजारा उसको कहते हैं महाजन क्या कहते हैं महाजन इसको कहा गया कि जिसने अपना तन मन धन सब कुछ श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया समर्पण कर दिया और कहा तक नहीं अंतिम श्वास तक जहाँ जागनी का जंडा गाड़ा सीज़ जी ने अपनी लीला पूर्ण की और छठे दिन की लीला शुरू हुई उसके बाद भी जो शोभा सुंदर साथ को दी गई जागनी के उत्तरदायित्व की तो अपना अंतिम समय जब श्वास छूटे तब तक जो वहाँ तक गुजारा ऐसे लोगों को महाजर कहा गया कि हजरत हज इत करी लेने को मक्का फतेह करी दज्जाल को कुछ करे दारुल बक्का हजरत हज ईत करी लेने को मक्का हजरत कौन तो हजरत मोहम्मद सल वसल्लम ये प्रसंग को लेकर यहाँ प्राणनाथ जी और बिहारी जी महाराज मक्का और मदीना और पर पन्ना परम धाम ये तीनों को लेकर सुंदर साह जी ये बताया है कि हजरत हज ईत करी लेने को मक्का तो हजरत साहब कौन अरब की धरती पर आज से चौदह सौ साल पहले जो मक्का की धरती पर अरब की धरती पर आए जो हमारे तीसरे दिन की लीला घटित हुई इस संसार में तिरसठ साल रहकर इस संसार से विदा हुए ऐसे हमारे हजरत मोहम्मद सल अलैहि वसलम ने, वसलम ने मक्का छोड़कर जब मदीने चले गए और मदीने जाकर अपनी पूरी सैन्य को तैयार किए और अपने चाचा जो अबू जहल थे उसका सही नाम अबू जहद था वो अबू जहल पर जब आ, सामना अबू जहल के सामने सामना किया और उसको जीत लिया उसको पराजित किया सुंदर साहद जी उस बात को लेकर यहाँ धामधनी बताते हैं कि जब अरब की धरती पर एक बार मोहम्मद साहेब जब आए तब तो उस टाइम पे मक्का वासियों ने मोहम्मद साहेब का बहुत विरोध किया बहुत अत्याचार किया मोहम्मद साहेब पर तब मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़ दिया और मक्का छोड़कर वो मदीने चले गए और जो उसके चाचा अब्बू जहल थे वो भी धार्मिक सिद्धांतों को नहीं मानते थे और बस ऐसे शरीयत कर्मकांड को ही मानने वाले थे तो ये अपने अध्यात्म सिद्धांत को नहीं मानते थे वैसी तरह यहाँ भी श्री प्राणनाथ जी सुंदर जी जैसे अध्यात्म सिद्धांत को मानने वाले थे श्री जी लेकिन बिहारी जी महाराज सरियत और कर्मकांड पर चलने वाले हैं तो यहाँ ये बात बताई तो मोहम्मद साहब ने क्या किया तो उसने मक्का छोड़कर मदीने चले गए वहाँ बहुत से सैन्य को एकत्रित किए और फिर मदीने पर प्रहार किया और वहाँ अबू जहल को जीत लिया वैसे ही श्री जी ने भी जामनगर से जागनी करते 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 जामनगर को कहा गया मक्का और मदीना कहा गया सूरत को तो जामनगर से जागनी करते 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 जब सूरत में पहुँचे तो 500 सौ की जमात का समूह एकत्रित कर लिया जगाते जगाते सब जा अलग अलग स्थानों में जाते जाते और पूरा सैन्य को कैसे तो के बिहार जी महाराज के अंदर बैठे हुए कलयुग रूपी दज्जाल अज्ञान रूपी दज्जाल को मारा किसको मारा जैसे अबू जहल को माराया ने यहाँ बिहार जी महाराज के अंदर बैठे हुए अज्ञान रूपी दज्जाल को किसने मारा श्रीजी ने मारा और मदीने पर अपना अधिकार जमा लिया मतलब सूरत पर अपना अधिकार जमा लिया अभी हमने देखा ने कलश ग्रंथ भेजा और आत्माओं की जागनी भी 500 का कारवा भी चला और आगे बताया कि हजरत अजीत करी लेने को मका फतेह करी दज्जाल को मतलब बिहार जी के अंदर बैठे हुए अज्ञान रूपी राक्षस को मारकर कुछ करे दारुल बक्का और वहाँ से ये कारवा निकल चलकर कर कहाँ पहुँचेगा राजधानी क्या है हमारी पन्ना जी तो वहाँ दारुल बक्का किसको कहा गया पन्ना को तो पन्ना पहुँचेंगे तब पांच हज़ार की जमात एकत्रित हो जाएगी तो सुंदर शाह जी ये बात कहकर आगे भी बताया कि ऐसे लोग निकले और इस महाजनों की जो साक्षियां पहले से कुरान में आज से 400 साल पहले भी कुरान में लिखी गई थी अब जब हम 400 साल पहले इस संसार में आए उस टाइम से पहले 1100 साल हुए थे आज हम आए उसके भी 300 साल हो गए सुंदर सुन्दरसाज जी हम जब आए इस संसार में सदगुरुधनी देवचंद्र जी के साथ उस टाइम पे जो कुरान में साक्षियां लिखी थी ग्यारह साल पहले की कुरान में क्या लिखा था लोमो में लिखा गया था लोम मतलब लोहे की पट्टी पर लिखा गया था कि ऐसी परमधाम की ब्रह्मात्माएं मोमिन इस संसार में आएगी और ये आएगी तो क्या करेगी तो के रूपी दज्जाल को मारेगी और कितने टाइम तक ये दज्जाल के साथ युद्ध करते रहेगी तो सुंदर शाह जी एक साल तक युद्ध लिखा है कितना 120 साल तक तो सोलह सदगुरु धनी देवचंद्र जी आए तब से लेकर हम आए तब से लेकर सत्रह तक 120 साल पूरा होता है लेकिन यह बताया कि गाजी बनी इसराइल की तीन में सिरदार देवचंद्र सिरदार लड़ाई वास्ते खुदाई के सुंदर साजी किस वास्ते लड़े सदगुरु धनी देवचंद्र जी असराइल की गादी मतलब के जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी जो ब्रह्मात्मा आई उसके सिरदार कौन थे उस टाइम पे श्यामा जी थी ने हम बारह हजार की सिरदार कौन बनकर आई श्यामा जी तो पहले श्यामा जी लड़ी के नहीं इस दज्जाल को दज्जाल के सामने लड़ी ने क्योंकि सदगुरु धनी देवचंद्र जी आए तो उस टाइम में भी ग्यारह साल में जब उसके मन में विचार आया न कि भया वर्ष ग्यारह माँ तब मन भयो विचार मैं कौन कहाँ से आईया और कहाँ है मेरो वर्थार मतलब मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ और कहाँ मेरे को जाना है तो जब खोज में निकले तब उसके साथ भी बहुत दज्जाल ने परेशान किया वो भी दज्जाल के साथ लड़ते रहे ने सुंदर सा जी तो सोलह से लेकर अड़तीस से लेकर सत्रह तक 120 वर्ष तक दज्जाल लड़ता रहेगा तो यहाँ बताया कि देवचंद्र जी कितने टाइम तक दज्जाल के साथ युद्ध करते रहे तो यहाँ बताया कि चौरासी साल और चार मास तो ये कहाँ तक होता है सुन एक हजार महीने तक युद्ध करते रहे सुन्दर भाई का कितना लिखा दज्जाल के साथ युद्ध एक हजार महीने तक जब गाजी असराइल गाजी बनेगी गाजी असराइल की जब चलेगी तो दज्जाल के साथ कितने समय तक युद्ध करते रहेगा तो कि एक हज़ार महीने तक तो एक हज़ार महीने तक मतलब कितना साल होता है तो चौरासी साल और चार माह होते हैं सुंदर जी तो कहाँ तक हुआ तो कि विक्रम सन सोलह सौ से लेकर सत्रह सौ बारह तक सत्रह सौ बारह में ये पूरा नहीं हुआ चौरासी साल और चार माह तो सत्रह सौ बाईस तो विक्रम सवन 1638 से लेकर 1722 तक जब जागनी यात्रा हमारी 1722 से दीव बंदर से शुरू हुई तब तक सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर जो श्यामा महारानी बैठी हुई थी वो भी दज्जाल के साथ युद्ध करती रही भले सत्रह सौ बारह में तन छोड़ दिया उसने अपनी अंतर ध्यान लीला कर दी सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने लेकिन वो स्वरूप किस में बैठ गए पांचवें दिन में मिराट ठाकुर के तन में महामती के धाम दिल में तो यहाँ सुंदर साहद जी ये बताया कि यहाँ तक ये लड़ते रहेंगे क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ था कि भाई ऐसा ये ऐसी 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 घटना घटी घटेगी और आगे सुंदरसाह जी हम मेरता की ओर अभी प्रस्थान करेंगे तो यहाँ सूरत से चले तो यहाँ से हम चलकर सीधे कहाँ गए अहमदाबाद गए वहाँ तीन चार दिन रुक कर हम मेरता पहुँचते हैं कहाँ पहुँचते हैं मेरता में पहुँचते हैं तो मेरता में जब हम पहुँचते हैं तो मेरता के अंदर मेरता में पोच पहुँचे इससे पहले हम जगह जगह जो सुंदर सात की जागनी हुई है ये सुंदर सात का बहुत से नाम याद दिए गए हैं सुंदर सात जी हम नाम बस इतना ही ले ले जितना धाम धनी हमको बता दे थोड़े कुछ नाम बता देंगे धामधनी कि वहाँ से कौन चले श्री जी के साथ जो महाजनों अब निकले ने मैंने बताया ने कि कारवा पाँच सौ की जमात वहाँ से आगे चली तो पाँच सौ की जमात में श्री जी के साथ बाजूराजमानी अपने अंग संग रही और अबासी बंदर से गोवर्धन भाई भी चले भीम भट्ट वेदांताचार्य श्याम भट्ट तो चले लेकिन फिर माया की उलझन आई तो फिर वो घर में रह गए सुंदर जी और आगे नाना भाई पाखड़ी भाई और उसके बाद सुंदर साहद जी छबील दास जमुना भाई जो बिहार जी महाराज की बहन और उसके बेटे छबील दास भी साथ में चले ऐसे कई कई सुंदर साद सुंदर साहद जी इस कारवा में सहा वो मुकुंदासी ये भी सूरत के रह, रहने वाले थे सुंदर जी तभी उस टाइम पे तो नहीं चले जब श्री जी दिल्ली में पहुंचते हैं तभी मुकुंदासी वहाँ जाते हैं लेकिन अभी मुकुंदासी ने तारतम तो ले लिया पहचान तो कर ली मुकुंदासी कौन हमारी नवरंग बाई की जो वासना है ना उसके अंदर नवरंग बाई सखी की तो मुकुंदासी भी यहाँ से सुंदर साह जी निकलते हैं अभी उस टाइम पे नहीं निकले लेकिन पीछे से वो दिल्ली पहुँचेंगे तो मुकुलदास जी की भी अभी नई नई शादी हुई थी तो अपनी पत्नी को बोला कि भाई तुम भी साथ में चलो लेकिन वो नहीं निकलती है घर से लेकिन मुकुलदास जी निकल पड़ते हैं तो यहाँ से 500 का कारवा सुंदरसा जी चल के मेरता में पहुँचते हैं और मेरता में पहुँचे इससे पहले सिद्धपुर पहुँचते हैं कहाँ पहुँचते हैं पहले सिद्धपुर में पहुँचते हैं अहमदाबाद तीन चार दिन रुके पहले सिद्धपुर पहुँचेंगे सिद्धपुर में बाईस दिन रुक कर फिर अम्बेरता में पहुँचेंगे ठीक है तो सिद्धपुर में बाईस दिन वहाँ हम रहते हैं कितने दिन बाईस बाईस दिन का चार बार प्रसंग आएगा एक बार बाईस दिन का प्रसंग आया जब मीरा ठाकुर ध्रोल से आए जब सतगुरु जब अंतरध्यान लीला करने वाले थे तभी बुलाया ने द्रोल से तो दोनों का मिलन कितने दिन का रहा बाईस दिन का यहाँ भी बाईस दिन आया सिद्धपुर में भी फिर बाईस दिन उज्जैन में आएगा फिर बाईस दिन दिल्ली में प्रेम जी नाग जी और संग जी आएंगे ना वो भी बाईस दिन रुकेंगे तो चार बार सुंदर शाह जी बाईस बाईस दिन का प्रसंग आएगा और बीतख साहिब में चार बार अक्षरातीत भी आएगा और सुंदर साजी जी दो श्री राज आएगा और 22 बार हक आएगा इतनी बार धाम धनी ने यहाँ यहाँ ये वर्णन किया है और हम आगे बढ़े सिद्धपुर में 22 दिन रुकते हैं सुंदर साजी जी वहाँ जाके यहाँ भगवान दास रेवादास मिलते हैं कौन मिलते हैं भगवान दास रेवादास मिलते हैं सुंदर साजी जी भगवान दास रेवादास वहाँ भगवान दास रेवादास उपाध्याय पूरा नाम उसका क्या है भगवान दास रेवादास उपाध्याय और जो सिद्धपुर में एक विंध्य सरोवर पड़ता है विंध्य सरोवर के किनारे सुंदर श्रीजी जी श्री जी ने भी 500 सौ की जमात का कारवा था तो वहाँ एक हवेली बनाकर मतलब एक हवेली लेकर वहाँ सब सुंदर साहद को ठहराया और वहाँ रहने लगे तो वहाँ भगवान दास रेवादास भी गए होंगे और सुंदर साध की भी सेवा भी करने लगे वहां सुंदर साथ जी तो भगवान दास रेवादास उपाध्याय ने श्री जी की बहुत और सुंदर साथ की भी बहुत सेवा की किसने भगवान दास रेवादास ने तो उसकी सेवा बहुत कीपन किस लालच में की मोहर की लालच में बहुत सेवा की सेवा करने के बाद एक दिन श्री जी जब निकल रहे हैं तो उसने एक मोहर दी गोवर्धन भाई ने क्या किया उसको एक मोहर दी किसको? भगवान दास रेवादास को एक मोहर दी कि लो एक मोहर रखो आपके साथ तो भगवान दास रेवादास को और लालच जगी अंदर से और इच्छा हुई कि मेरे को एक मोहर क्यों और भी मोहर मिल जाए तो चलो मैं उसके साथ पालनपुर तक चलता रहूं तो और सुंदर साथ और जी की सेवा के बहाने और लालच की एक मोहर की लालच के बहाने वो साथ में चलते चलते पालनपुर पहुंचा वह पालनपुर पहुंचे सुंदर साहद जी तो गोवर्धन भाई ने सुंदर साहद जी बोला के अरे भाई भगवान दास रेवादास तूने उस स्वरूप की पहचान की क्या तूने उससे क्या चीज मांगी उस अवलौकिक स्वरूप की, की तूने कोई पहचान नहीं की तू एक लौकिक चीज एक मोहर में तुम बस खो गया इस लालच में तुम खो गया क्या उस स्वरूप की पहचान कर और उसके पास अखंड की निधि मांग अवलौकिक चीज मांग तुझने उस स्वरूप की पहचान की नहीं है तब सुंदर जी भगवान दास रेवादास उसके चरणों में गिर गया और झुक के बोला कि मेरी आत्मा को जगाइए मेरी आत्मा को जगाइए मेरे को परातम का दर्शन भी कराइए मैंने गलती कर दी मैंने आपका स्वरूप आपके स्वरूप की मैंने पहचान नहीं की तो सुंदर साहद जी यहाँ श्री जी ने चलते चलते चार शब्द कहे कितने शब्द कहे चलते चलते चार शब्द कहे क्या क्या चार शब्द कहे कि हे भगवान दास हद बेहद से परे ये हद ब्रह्मांड नश्वर है क्षण भंगूर है एक दिन महाप्रलय में विलीन हो जाने वाला है चौदह लोक अंतर्गत जो ब्रह्मांड बना है नारायण तक का उसके परे बेहद है बेहद अक्षर अक्षर ब्रह्म की जो भूमिका है अखंड योग माया ब्रह्मांड वो कुटस्थ अविनाशी और अखंड है और उसके परे भी अक्षरातीत परमधाम जो दिव्य रंग महोल जो मध्य में पहला वाला पक्ष और आस पास में इर्द गिर्द में जो चौबीस पक्ष आया हुए है आया हुआ है उसकी तू पहचान कर और दूसरी बात बताई कि हे भगवान दास तुम जो रंग मोहल की उत्तर दिशा में साढ़ा चार लाख कोस की दूरी पर जो पुखराज पहाड़ आया है पीले रंग का उसमें कई प्रकार की सोनेरी पीले रंग की किरणें निकल रही है ये पुखराज पहाड़ उसमें से नीचे खजाने के ताल से जो जमुना जी निकल रही है ये जमुना जी दूध से भी उज्जवल मिश्री से भी मीठी ये जमुना जी निकलती निकलती जब बहती हुई जब साढ़ा चार लाख कोस बहकर ईशान खूण से मरोर लेकर पूर्व में नौ लाख कोस बहकर फिर साढ़ा चार लाख को दक्षिण में मोडकर एक हीरे के समान जो होज कोसर बना है एक इरा इरास इरे से ये होज कोसर में ये जमुना जी समा जाती है तो तू ये जमुना जी का दर्शन कर ये अक्षरधाम को देख ये परमधाम को देख ये अखंड ब्रज की लीला को देख ये अखंड रास लीला को देख हे भगवान दास रेवादास तो इतनी चार शब्दों में उसको पहचान करवाई सुंदर साद जी तो भगवान दास रेवादास की आत्मा तभी तो थोड़ी कुछ तो सुगंधी आई और श्री जी वहाँ से सुंदर जी चल पड़े ये चार शब्द कह के और भगवान दास रेवादास भी वहाँ से सुंदर जी वापस लौटे अपने घर में आए और वहाँ आने के बाद वो छः मास मौन रहे कितने मास छः मास वो मौन रहे छः मास बस अंदर वही चार शब्द का मतलब पूरे पूर्ण संपूर्ण परमधाम की लीला का पच्चीस पक्ष का अंदर रटन स्वाध्याय अंदर मनन चिंतन अंदर करते रहे छः मास के बाद उसको केशव दास मिले कौन मिले केशव दास उसके मित्र थे वो मिले तो केशव दास ने पूछा कि तू क्यों इतने दिनों से ऐसे मौन इधर उधर घूमता रहता है भाई क्या हलचाल है क्या है तब भगवान दास रेवादास ने बोला कि भाई यहाँ छः मास पूर्व पहले कोई एक क्षत्रिय यहाँ से निकले थे उसके साथ बहुत जन समूह थे मतलब सुंदर साथ की बहुत जनसंख्या थी वो यहाँ से निकले हैं और आगे गए कहीं किस तरफ गए मेरे को पता नहीं है तो उसने बोला कि उसने कुछ कहा था तो उसने बोला कि हाँ, चलते चलते ये चार शब्द कहा था जो अभी हमने सुना तो ये सुनते ही सुंदर साहद जी केशव जी ने क्या बोला कि ये तो अक्षरा तीत था ये तो अक्षरा तीत था तुमने न करी पहचान मैं तो उत ही जात हूं मुझे आया ईमान हे भगवान दास रेवादास तू तो पंडा का पंडा ही रहा तेरे को तो कोई उच्च ज्ञान की शुद्धि नहीं हुई ये कोई क्षत्रिय नहीं था ये कोई यहाँ का महात्मा साधु संत नारायण भगवान अवतार कोई देवी देवता के कोई इससे आगे कोई ब्रह्म भी नहीं थे ये तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म था तुमने ये पहचान नहीं की क्या तो सुंदर जी यहाँ ये इतने शब्द सुनकर के सौदासी वहाँ से निकल जाते हैं तो सुंदर साह जी यहाँ बताया कि बहुत पुकार करो मैं किन्सो ये तुम खातिर हे बेहज बनजगा होएगा साथी एक लवे होशी टूक टूक जो कोई पार का साथी होगा हो ने जो परम धाम की आत्मा होगी ने इसलिए तो धाम धनी ने बोला कि अर्धे लवे तेरो औरत सरे बुंदा तू इतना सा मतलब आधे लवे में भी तेरा अरत सर जाना चाहिए ये वचन सार्थक हो जाना चाहिए तो तू इतना सा क्यों कहला रहा है मेरे मुख से और परमधाम की आत्मा होगी ना सुंदर सा जी वो देह भरोसा ना करे पिया मिलन की आस और वही अंदर के बस सीधे ही अंदर से एक टीस निकलती एक पीड़ा बस अंदर से दर्द एक फुटता और सीधी वो निकल जाती इसलिए तो क्या कि महामती कहे कोई पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह एक धाम हृदय में ले के उड़ाई दीजिए परवाह सुंदर साजी वो कभी भी कोई किसी का पीछा नहीं देखती वो तो सीधी ही निकल जाती देखो यहाँ वो निकल गए ने सुंदर साह जी और बताया कि विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सोहागिन नार विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सोहागिन नार सुंदर साह जी विरह तो उस आत्मा के अंदर फूटेगा कि जो परम धाम की आत्मा होगी वो तत्काल सीधी वो निकल जाएगी किसी की वो परवाह भी नहीं करेगी संसार की ओर भी नहीं देखेगी संसार को बस ठोकर लगा देगी और सीधी वो निकल जाएगी वो सीधे निकल गए छः मास हो गए थे तभी सुंदर साजी श्री जी कहां पहुंच गए थे दिल्ली में पहुंच गए थे वहां जाके बस खोज करने लगे रात दिन क्योंकि जल्दी से पिया मिलन की आस है न पार्वतन जो सुहागनी ता नेकूपे चा वतन जो सुहागनी ता कहू चार जो कदी भूली वतन जो कदी भूली वतन तो नजर तहान निदान पार्वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहू पहचान सुंदर सा जी निकल पड़ी वहाँ रात दिन खोज में लगी है तो वहाँ रामचंद्र पंसारी मिलते हैं उसने बताया कि लाल दरवाजे की हवेली में लाल दरवाजे में क्षत्रिय की हवेली में श्री जी ठहरे है तो वहाँ जाके सुंदरसा जी वो भी पहुँचे वो श्री जी के चरणों में प्रणाम किया वहाँ श्री जी की चर्चा अवलौकिक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनी अपनी आत्मा को जागृत किया और अपनी आत्मा को जागृत करने के बाद थोड़े दिन वहाँ रुके फिर वो सुंदर जी सिद्धपुर आए सिद्धपुर में आने के बाद फिर भगवान दास रेवादास को जागृत किया दूसरे केशव दास को जागृत किया, किया और द्वारका दास को भी प्रमोद दिया ऐसे कई सुंदर साहद को तारतम्य आत्मा की जागनी की और सुंदर साहद जी यहाँ हम ये प्रसंग को यहाँ हम पूरा करेंगे और आगे कल हम मेरता की ओर कल प्रस्थान करेंगे इतना कहकर हम यहाँ चौपाई को दोहराएंगे रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई इने खबर लाल दरवाजे आए मिलिया अति आतुर होई कर अति आतुरय कर बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज प्रणाम